हेलो बच्चों, आज हम कवायद में ज़बान शनाजी कवायद में उर्फ अत्फ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले की क्लास में हम उर्फ रब्त के बारे में पढ़े थे और आज हम उर्फ अत्फ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बे में इन जुमलों को गौर से पढ़िए। देखिए, शादान और सना पढ़ रही है। नजमु सहर स्कूल से आई और बैठ गई। महफिल में अमीर और गरीब सब मौजूद थे। यहाँ पे देखो, पहले जुमले में दो इस्मों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है ना। यह पहला जुमला शादान और सना पढ़ रही है, अंडरलाइन करी हुई हूँ मैं और पे अंडरलाइन की हूँ। यहाँ पे देखो, पहले जुमले में दो इस्मों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। शादान और समा क्या है, सना क्या है, इस्म है यानी नॉन है। दूसरे जुमले में दो जुमलों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी देखो, नजमु सहर स्कूल से आई और बैठ गई है ना। यहाँ पर भी दो जुमलों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। थर्ड वन, महफिल में अमीर और गरीब सब मौजूद थे। हाँ, तीसरे जुमले में दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए वाउ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। वाउ, महफिल में अमीर व गरीब सब मौजूद थे, वो है ना। हाँ, तो अब आगे पढ़ेंगे। ऐसे हुरूफ जो दो जुमलों या इस्मों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उर्फ अत्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उर्फ अत्फ कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मश्क करेंगे हम। ज़ैल में हुरूफ अत्फ की निशानदेही करके खौसैन में लिखिए, बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो फर्स्ट वन देखो, अहमद और महमूद है ना। अहमद और महमूद यहाँ पे क्या बोल रहा है, उर्फ अत्फ की निशानदेही कीजिए बोल रहा। पहले हम पढ़ चुके हैं दो जुमलों को क्या करेंगे, दो जुमलों या इस्म को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया जाता है बोल के पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अहमद और महमूद दोनों इस्म को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आना ब्रैकेट में, और आना, समझ में आया क्या है और क्या है? उर्फ अत्फ है। मेहनत करो ताकि कामयाबी मिले, है ना। मेहनत करो कामयाबी मिले, यहाँ पे उर्फ अत्फ क्या है, ताके। दोनों जुमलों को, दोनों इस्मों को या दोनों जुमलों को मिलाया जाता है ना, ताके है ना। यहाँ पे ताके, तो ब्रैकेट में क्या आना, ताके आना। दोनों जुमलों को मिला रहे, मेहनत करो ताके कामयाबी मिले। हुसैन में क्या आना, ब्रैकेट में क्या आना, ताके। अफरा आई मगर शमामा नहीं आई, यह है ना दो इस्म, दो जुमले दो इस्म है ना। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, मगर आएगा। ये क्या है, ये किसकी निशानदेही कर रहे हम, हर हुर्फे अत्फ की निशानदेही कर रहे हैं ना। अंडरलाइन जो की हूँ मैं, वो हुर्फे अत्फ है, ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको, समझ आए। पढ़ो या लिखो, देखो पढ़ो या लिखो है ना, या दोनों को मिला रहे हैं ना, दोनों जुमलों को या आना, क्या है ये, या हुर्फे अत्फ कहलाएगा। आसिफ आया अलबत्ता किताब नहीं लाया, है ना। आसिफ आया किताब नहीं लाया, दो जुमलों को मिला रहे ना, क्या मिला रहा है यहाँ पे, क्या रहा, अलबत्ता है ना। यहाँ ब्रैकेट में अलबत्ता, ये क्या है, उर्फ अत्फ है, इसको हम हौसैन यानी ब्रैकेट में लिखेंगे। अलबत्ता किसकी निशानदेही कर रहे हैं हम, उर्फ अत्फ की निशानदेही करके ब्रैकेट में लिख रहे हैं। वहाँ अमीर वो गरीब मौजूद थे, है ना। उर्फ अत्फ क्या है, दो जुमलों को मिलाया जा रहा है, वो अमीर वो गरीब, ब्रैकेट में क्या आएगा, वो आएगा, वाओ आएगा, है ना, समझ में आ रहा। ये क्या हुआ है, उर्फ अत्फ हुआ। हम उससे पहले उर्फ रथ पढ़े थे, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, आपका होमवर्क भी यही है। क्या है ये, उर्फ अत्फ की निशानदेही कीजिए और उसके बारे में हम पढ़ें।